हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। माय नेम इज कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। बच्चों, आज हम लोग एक नई यूनिट और बहुत बढ़िया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स। क्लियर है? रे ऑप्टिक्स से मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि यदि मैं नीट की बात करूं तो नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जेई में कम इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, तो इसीलिए जेई में इसमें क्वेश्चन मतलब फ्रैक्शन वाइज कम आ जाता है। ठीक है ना? मतलब फ्रैक्शन वाइज ही रहता है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं। ठीक है? और यदि जे एडवांस की बात करें तो जे एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम। ठीक है? ये है रे ऑप्टिक्स का हर साल का ब्यौरा। अभी रे ऑप्टिक्स को मैं एज अ चैप्टर नहीं बोलता, मैं रे ऑप्टिक्स को एज अ यूनिट देखता हूं, क्योंकि एक्चुअली लोग कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स इज अ चैप्टर। ऐसा कहने को कह देंगे लोग कि रे ऑप्टिक्स इज अ चैप्टर, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई लोग थोड़ा ध्यान से सुनो तो रे ऑप्टिक्स में ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जिनको यदि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वो एज अ चैप्टर की तरह डील किए जा सकते हैं। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इसका मैं आपको थोड़ा मोड़ा लिटिल बिट आइडिया दिए दे रहा हूँ। ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? देखिए, एकदम सिंपल टर्म्स में बातें करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम सबसे पहला जो टॉपिक उठाएंगे दैट इज रिफ्लेक्शन। दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में कौन सा? प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर, ये आपका कम से कम नहीं तो जो नीट के बच्चे हैं वो ये मान के चलें कि उनका ये 5 लेक्चर्स में हो जाएगा, वो ये मान के चलें कि 5 to 6 लेक्चर्स में उनका हो जाएगा। और जो जेई वाले हैं वो अपने में +3 कर लीजिए, +3 लेक्चर्स और कर लीजिए। ठीक है ना? +3 लेक्चर या +2 लेक्चर, ये जेई वालों के लिए इधर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब कि यदि नीट वालों के लिए 5 से 6 है तो जेई वालों के लिए 9 है। ठीक है? ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा अगला स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ही रहता है लेकिन इस बार आएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल की बात करेंगे तो स्फेरिकल में कम से कम आप ये मान के चलिए कि 6 से 8 लेक्चर लग सकते हैं नीट के लिए, लगते हैं। और मान लो 4 लेक्चर और, तो अप्रॉक्सीमेटली +10 लेक्चर्स कर लो, मतलब सॉरी गलत कर दिया, +4 लेक्चर और ऐड कर लो तो तुम्हारा जेई का भी रेडी हो जाएगा। ठीक है? नाउ अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है प्लेन रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बेसिक समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन के लिए ये मान लो कि यदि हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन के लिए सीधा सीधा ये मान के चलो नीट के लिए कम से कम नहीं तो 5 से 6 लेक्चर्स, और इसके लिए और 6 लेक्चर ऐड कर लो, क्योंकि देखो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस्टम आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड हो जाती हैं जो जेई बस में आती हैं, जेई एडवांस में आई हुई हैं। 1995 के आसपास आया था वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन। ठीक है? तो जेई वालों के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है, नीट वालों के लिए उतना एक्स्ट्रा नहीं रहता। ठीक है ना? तो ये मान के चलो कि सीधा सीधा 5 लेक्चर और ही ऐड कर लो, क्योंकि उसमें वेक्टोरियल ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी देखने को मिलता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में 1 साल, तो उन सारी चीज़ों को डील कराने में टाइम तो लगता है। तो मान लो कि चलो 4 लेक्चर और ऐड कर लो, ज़्यादा मत ऐड करो, 4 लेक्चर और ऐड कर लो। ठीक है? ना इसके बाद रिफ्रैक्शन में ही आगे अगला टॉपिक आता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो TIR में यदि आप बात करोगे किसकी, नीट की, तो नीट तो मान लो कि तुम्हारा 2 से 3 लेक्चर में मैं वाइंड अप कर लूंगा, लेकिन जेई वालों की बात करोगे तो जेई वालों में भर भर के है TIR का रोल, तो वहां पे आप ये मान के चलो कि 4 लेक्चर और ऐड कर लो। ठीक है? 4 लेक्चर और ऐड करो, कंफर्म ऐड करो। चलो 4 ज्यादा बोल दिया मैंने, तो ऐसा करो इसको आप 2 लेक्चर ही ऐड करो। चलो मान लो कि 2-2 4 लेक्चर, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी में आएगा हमारा प्रिज्म। प्रिज्म आएगा, प्रिज्म में कम से कम मान लो कि सीधा सीधा 3 से 4 लेक्चर, और इसमें 1 लेक्चर और एक्स्ट्रा ऐड कर लो कुछ जे एडवांस के अच्छे न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। ठीक है? नाउ अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। पहले क्या था? रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, अब रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस की मैं बात करता हूँ, तो रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस हो जाएंगे तो कम से कम ये मान के चलो कि 2 लेक्चर और +1 लेक्चर इसके लिए।
एक्स्ट्रा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस का ही अगला पार्ट जो होगा, जिसको हम लोग बड़े भारी मात्रा में अच्छे से बोलेंगे लेंस। क्या नाम देंगे? लेंस। तो लेंस ये मान के चलो कि आपका जो नीट वाला लेंस है वो लेगा कम से कम नहीं तो 6 से 7 लेक्चर्स, और जेई वाले में और आप ये 4 लेक्चर्स ऐड कर लो, 4 लेक्चर्स और ऐड कर लो जेई वाले में, ठीक है। तो ये आपका लेंस कवर हो जाएगा वंस, क्योंकि देखो जो जो तुमने स्पेरिकल मिरर के लिए पढ़ा ना, सब कुछ सेम वैसा ही आपको किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? लेंस के लिए, ठीक है। वंस योर लेंस इज ओवर, फिर आपका आएगा एक लेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा एक लेक्चर में ऑलमोस्ट। फिर आपका आता है इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स में अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो, देखो लोग फॉर्मूला रटा देते हैं, मैं तो देखा हूँ लोग फॉर्मूला रटने में विश्वास भी रखते हैं, लोग सोचते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो एग्जाम में बन जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं, कभी बनता नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले से ना समझ के हम प्रॉपरली दी कॉन्सेप्चुअली समझें, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, प्रॉपरली वो जो रेशियो होता है उसको निकालें अपन बार बार, और फिर फॉर्मूलों को समझें जिससे कि पूरा बेसिक समझ में आ जाए। तो मान के चलो कम से कम नहीं तो 3 से 4 लेक्चर लगता है दोनों में, मतलब इसमें अलग से कोई नीट जेई के कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें 3 से 4 लेक्चर में आपका हो जाएगा। तो 3 से 4 लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने दिख रहे हैं हम लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो कितने लग रहे हैं, ध्यान से देखते हैं अपन लोग। मैं मार्जिन लाइन वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, बाहर वाला 6 + 8 = 14 14 + 20 = 23 23 + 27 = 27 + 29 = 35 35 + 4 = 39 39 लेक्चर्स के अप्रॉक्स में जाएगा नीट में। और यदि मैं जेई की बात करूं तो 1 1 2 2 2 4 4 8 8 8 4 12 12 3 15 15 15 15 4 19, तो 39 + 19 अप्रॉक्सीमेटली 60 लेक्चर्स जाना चाहिए किसमें? जेई में। यदि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो मान लो कि 1 आवर के होते हैं, तो देखो इतना डिटेल में होता है रे ऑप्टिक्स, इतना ज़्यादा होता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। अब कई लोगों को ये लगता है कई बार कि वो, मैंने देखा है ऑफलाइन कोचिंग्स में ऐसा होता है जनरली कि बच्चों को लाइक 2 फॉर्मूले लिखा दिए जाएंगे और बच्चे सोचने लगते हैं कि नाउ वी आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। और बेटा इंडिया में बहुत सारे मेरे से बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में तैयारी करवा रहे हैं, ठीक, और उनके बच्चे ना इससे भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें तैयार करके बैठे होते हैं। तो जब उन बच्चों से आपका एग्जाम में कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप पीछे, मतलब कहीं उनके आसपास भी स्टैंड नहीं करोगे, इसीलिए फिर ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाते और दूसरे बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग भी इसी तरह का पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। नो डाउट मैं इतने लेक्चर्स नहीं चाहूँगी, इतने लेक्चर खींचे, क्योंकि इस तरह में तो फिर 2 महीने 3 महीने ऐसे निकल जाएंगे। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि जनरली मैं एक दिन में 5-5 लेक्चर शूट करने वाला हूँ, 4-5 लेक्चर शूट करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को ये 7 से 8 दिन के अंदर पूरा शूट कर दूंगा, में मतलब मोस्ट प्रोबेबली यदि हेल्थ अच्छी रही तो आपका 5 से 6 दिन में पूरा सूट हो जाएगा, 8 दिन में पूरा सूट हो जाएगा। और आपको ऐसा करूंगा कि लाइक वो 45 मिनट की बजाय लगभग 50 मिनट 55 मिनट ऐसे लेक्चर्स दे करके और चीज़ों को जल्दी बाइंड अप कर लूँ। तो ये नंबर ऑफ लेक्चर जो 60 जा रहे हैं जेई वालों के वो 50 चले जाए, जो नीट वालों के 40 जा रहे हैं वो 30 चले जाए, ऐसा हो जाए। तो वी विल ट्राई हार्ड, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या कवर होने वाला क्या नहीं। देखो जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपरली उनका जब लेक्चर्स आएगा तो उसमें उनको जेई के पीवाईक्यू मिल जाएंगे और नीट वालों को नीट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। मतलब आपको ये सोचने या बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर कि हमें जेई का कंटेंट मिल जाए, नीट वाले बच्चे ऐसा सोचने लगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने ध्यान से देखो तो यहाँ बाइफर्केशन किया हुआ है अलग से कि नीट वालों के अलावा भी जेई वालों के लिए इतना एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है, जिससे कि नीट और जेई का कंटेंट सेम ना हो। मैं जनरली देखा हूँ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, जिन इंस्टीट्यूट्स में नीट और जेई चलता है वो नीट की डीवीपी चिपका देते हैं जेई वालों को भी, और वो जेई वाले बच्चों को बेचारों को पता भी नहीं चलने देते कि एक्चुअल में कंटेंट एडवांस स्टैंडर्ड का होता क्या है। और क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो सभी है वो चलता है। तो इसीलिए थोड़ा अपन ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मम्मी का नाम लेकर के बढ़िया से अपन स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, क्लियर है। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज लाइट। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चा? लाइट के बारे में बात करने वाले हैं, लाइट। लाइट रे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइट होता क्या, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। तो देखिए एक बात तो समझ लीजिए आपकी लाइट का मतलब क्या है। लाइट का मतलब हमारी नजरों में है फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस आप इतना याद रखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जब नोट्स बनाते हैं तो ये डिफिनीशन भी अपनी कॉपी में लिखा करिए।
क्या बोला मैंने, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजुलाइजेशन, मतलब जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, जैसे कि मान लो ये लाइट सोर्स है, ये सोर्स है और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चे। और इस लाइट सोर्स से मान लो ये मेरी आईज है, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाऊंगा, जब ये लाइट रेज यहाँ से जाएंगी लाइक दिस और टकरा करके ऐसे आती हैं, तो उस कंडीशन पे हमें ये ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है हमारी आंखों तक आती हैं, जिस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पाते हैं। यदि कोई लाइट सोर्स नहीं होगा तो उस कंडीशन पे इस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। रात को कमरे के अंदर अंधेरे में हमें कोई चीज़ क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि कोई भी लाइट सोर्स नहीं है जिससे कि रेज निकल करके सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंखों तक आ सके। यदि वो रेज हमारी आंखों तक आ पा रही होती तो उस कंडीशन में हम सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख पाते। इसीलिए जैसे ही आप टॉर्च चालू करते हैं आपको चीजें देखना चालू हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि टॉर्च के चालू करते ही वो रेज गई सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराई और आपकी आईज तक पहुंच पा रही हैं। अब आप आसानी से उस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पा रहे हो। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजुलाइजेशन। आप कहीं ना कहीं इस लाइट रे की मदद से, जो लाइट रे गई टकराई और आपकी आंखों तक आई, उसकी मदद से आप उस ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पा रहे। सो दिस इज द लाइट। अब देखो लाइट के दो फॉर्म होते हैं। लाइट पजेस डुअल नेचर बेस्ड ऑन जरूरत, जरूरत के हिसाब से हम उसके नेचर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं घुसूंगा क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में उसके ऊपर हम डिटेल में बातें करने वाले ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम टाइम किल नहीं करेंगे। मैं बस बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा कहीं पे अच्छे से कि लाइट के दो फॉर्म होते हैं। लाइट पजेस डुअल नेचर, क्या पजेस करता है, डुअल नेचर पजेस करता है, ठीक है ना। डुअल नेचर का मीनिंग क्या हुआ, लाइट पजेस डुअल नेचर, पहला होता है हमारा वेव फॉर्म और एक होता है हमारा पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म क्लियर हुआ क्या, वेव फॉर्म एंड पार्टिकल फॉर्म। जो वेव फॉर्म होता है उसमें हमारी जो लाइट एनर्जी होती है, जो लाइट रे होती है, वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जो पार्टिकल फॉर्म होता है उसमें हमारी लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। नो डाउट इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम या फिर फोटोन पार्टिकल्स बोल देते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये बस बेसिक था, बस ऐसा आप बना लीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब आएगा तब तक हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम ऑलरेडी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइट के बारे में हमने क्या समझा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजुलाइजेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाइट एनर्जी की मदद से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पाते, देख पाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमने समझी कि लाइट का दो नेचर होता है बेस्ड ऑन नीड, मतलब ऐसा नहीं है कि वेव नेचर होगा या पार्टिकल नेचर होगा, ऐसा कोई रूल है, जरूरत के हिसाब से। यदि मान लो मुझे एक्सप्लेन करना है कुछ फिनोमेना, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ऐसे फिनोमेना को यदि एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेव फॉर्म, ठीक है। और यदि हमें एक्सप्लेन करना है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या एक्सप्लेन करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमें कौन सा नेचर यूज करना पड़ेगा, पार्टिकल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, या फिर डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि एनर्जी पैकेट्स में, अलग अलग पैकेट्स में मूव कर रही है, इसीलिए हम इसे डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं ये सारे पॉइंट जो मैं बोलते आ रहा हूं, इनको आप एज ए नोट की तरह मार्क करते जाइएगा। वेव फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके नीचे लिख लीजिएगा इन दिस केस एनर्जी ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसके नीचे फिर लिख लीजिएगा दिस इज यूज्ड, या फिर दिस पर्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आगे चल के पढ़ेंगे अपन लोग भी ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस दो वेव का मिलना, नई वेव का बनना, इंटरफेरेंस। तीसरा पोलराइजेशन, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट किससे एक्सप्लेन होंगे, वेव फॉर्म से। दूसरा पार्टिकल फॉर्म, तो उसके नीचे लिखिएगा दिस इज द डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज द डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन दिस केस एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन दिस केस एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटम और फोटोन पार्टिकल्स, नोन एज क्वांटम और फोटोन पार्टिकल्स। आप यदि लिखना चाह रहे होंगे तो आपको आसानी से लिखने के लिए मैं पूरा समझा रहा हूँ अच्छे से, और आप लिखिए भी उसको, मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेटा बाद में ना यही नोट्स काम आते हैं। आपने जितने अच्छे नोट्स बनाए होंगे बाद में उतना ही ज़्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है, ठीक।
उसके नीचे फिगर बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, दिस इज यूज टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है क्या? तो चलिए हम लोगों ने लाइट के बारे में समझ लिया, सारी चीजें समझ ली। अभी जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो हम वेव नेचर यूज कर लेंगे और हम लाइट को एक रे की तरह मान लेंगे कि लाइट रे ट्रेवल कर रही है लाइक दिस। क्लियर है? मतलब हमारे लिए कुछ जहीं भी जहां भी जरूरत पड़ेगी तो ना हम इसको ऐसे दिखाएंगे ना ऐसे दिखाएंगे, हम ऐसा मान लिया करेंगे कि ये हमारा सोर्स है और यहां से लाइट रे सीधा ऐसे आ रही लाइक दिस। क्लियर है क्या? वो मतलब है तो वेव हमारे लिए, ठीक है ना, लेकिन हम उसको शो कर रहे हैं एज अ लाइट रे। क्लियर हुआ क्या? इसको हम लोग लाइट रे बोल देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, सो चलिए अब अपन शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने लाइट रे के बारे में तो अच्छे से समझ लिया कि लाइट रे होती क्या है, हमने लाइट रे के बारे में समझ लिया ड्यूअल नेचर पजेस करती है, लाइट रे की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें। ठीक है, जो हमें समझना था हमने समझ लिया। नाउ अब हम बातें करेंगे लाइट रे के चलते डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास के बारे में। तो सबसे पहला फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसका हेडिंग रहेगा आपका, जो मेन हेडिंग रहेगा वो रहेगा फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट रे। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा रहेगा रिफ्रैक्शन। क्लियर है? नो डाउट एक और होता है पोलराइजेशन, एक और होता है पोलराइजेशन, लेकिन पोलराइजेशन अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसीलिए हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पोलराइजेशन पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर ऑफ वे ऑप्टिक्स में, गॉट इट? तो अभी के लिए रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है पहले शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी लाइट रे मान लीजिए आ रही है लाइक दिस, और मान लीजिए यहाँ पे एक हार्ड बाउंड्री है या फिर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बोल दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, कैमरे का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको, कुछ भी, या फिर आपका जो जूता है मान लीजिए पॉलिश्ड है तो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, एनीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। नो डाउट कुछ रेगुलर रिफ्लेक्टिंग होंगी, कुछ इररेगुलर रिफ्लेक्टिंग होंगी, बट एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट, एक्सेप्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी क्या होता है कि जितना फॉल करता है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एक अलग चीज़ है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। अभी बस इतना समझते हैं कि यदि एक सर्फेस है जिसके ऊपर एक ऐसा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रे फॉल करी और फॉल करके लेट अस सपोज ऐसे बाउंस बैक कर गई, ठीक है, इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में दोबारा चली गई बाउंस बैक करके, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यदि इंग्लिश में एज अ डिफिनीशन बोलते तो क्या बोलते, ऐसे बोलते कि इट इज़ द फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट इन विच लाइट बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम, लाइट बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम वेन एवर इट स्ट्राइक ऑन अ हार्ड बाउंड्री और वेन एवर इट स्ट्राइक ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। क्लियर है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम when light strike on a reflecting surface is known as reflection, ये भी आप लिख सकते हैं आपकी choice है, so this phenomenon is known as reflection। अच्छा इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, सेम मीडियम में लाइट रे गई है तो लाइट की जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आता, जो लाइट रे की स्पीड यहाँ पे है वही यहाँ पे भी रहने वाली है, सो यहाँ पे स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आते, ओनली डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे गेट चेंज। ओके, मतलब जिस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे वो चली गई कुछ ऐसे। क्लियर हुआ क्या? इधर ना जा करके इधर चली गई है। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट, सो हम लोग रिफ्लेक्शन लिख करके डिफिनीशन लिख करके ये बना लेंगे फिगर। और रिफ्रैक्शन के बारे में बस डिफिनीशन समझ लेते हैं कि जब अभी भी लाइट रे मान लीजिए ये मीडियम नंबर वन है और ये मीडियम नंबर टू है, एग्जांपल के तौर पे इधर ऊपर ऑयल भरा हुआ है और नीचे मान लो वाटर भरा हुआ है, या फिर ऊपर वाटर नीचे ऑयल, या फिर ऊपर एयर नीचे वाटर, एनीथिंग बट देयर आर टू डिफरेंट मीडियम्स। ओके, और लाइट रे मान लीजिए एक मीडियम से ऐसे आती है और लेट अस सपोज इस एंड पे आने के बाद दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है, तो लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन क्योंकि देयर इज सम चेंज इन मीडियम, मीडियम चेंज हो गया है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे मान लो चली गई इधर की ओर, लेट अस सपोज अपने पाथ से उसका डेविएशन हो गया, देयर इज सम डेविएशन इन द पाथ ऑफ रे व्हेन एवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्शन। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते थे द डेविएशन इन द पाथ ऑफ या फिर ऑन द पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन एवर लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। हम इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा मजेदार बात यह है कि यहां पे मीडियम चेंज हुआ है, अब मीडियम चेंज हुआ है तो मतलब मीडियम की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई होंगी, तो बेस्ड ऑन दैट लाइट रे की स्पीड यहां पे अलग अलग होती है, जैसे यहां पे यदि इसकी स्पीड भी थी तो यहां भी इसकी स्पीड भी थी, लेकिन यदि यहां पे इसकी स्पीड भी है तो यहां पे इसकी स्पीड भी डैश हो जाएगी,
स्पीड चेंज हो जाती है जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है तो, ठीक है। और साथ में चेंज हो जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, मतलब यदि यहाँ वेवलेंथ लैम्डा था लाइट रे का तो यहाँ लैम्डा डैश हो जाएगा, क्लियर है क्या, यहाँ लाइट रे का वेवलेंथ चेंज होकर के लैम्डा डैश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेंज एक चीज नहीं होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है, सोर्स ने कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया वो एक बार डिसाइड होता है, ठीक है ना, मतलब कितने उसने फोटॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड प्रोड्यूस करे ये तो सोर्स पर डिसाइड होगा ना। तो डियर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, इतना सारा चीजें एक बार पढ़ा दिया हम कैसे समझें। अबे सुनो, मात तुम रिफ्रैक्शन लिख करके उसकी डिफिनेशन लिख दो और ये डायग्राम बना के छोड़ दो। जब हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर बाद स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन पॉइंट स्टार्ट करेंगे, तो हम दोबारा डिटेल में ढेर सारी बातें करेंगे यही सब कुछ। बस अभी समझाने के लिए बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे इंटरेस्टिंग बनती जाएंगी आगे आगे चल करके। तो आप ये डायग्राम ऐसे लिख करके डायग्राम बना लीजिए। पोलराइजेशन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो फिनोमिना जिनमें हमारा पूरा चैप्टर सीमित है। पहले हम लोग ये फिनोमिना पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग आज से करीब 15 से 20 क्लास बाद स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन, इन डिटेल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से, मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन का बेसिक समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का बेसिक क्या होता है। अब याद रखिएगा, मैं कहीं भी किसी भी जगह पे अगले आने वाले 10-12 लेक्चर कुछ भी बोलूं सबका मतलब रिफ्लेक्शन से है, रिफ्रैक्शन से नहीं है, रिफ्लेक्शन से है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कोई लाइट रे इस पर्टिकुलर हार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती है, टकराती है लाइक दिस, और टकरा के बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में, क्लियर है। तो हम लोग इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे जो फॉल कर रही है उसको हम लोगों ने नाम दिया इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक करके सेम मीडियम में गई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या नाम देते हैं बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे। जो रे फॉल करी है उसे क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्लेक्ट हुई है उसे क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। एंड ये कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो परपेंडिकुलर रे होती है, अपने मन से हाइपोथेटिकल रे मानिए, ये कोई रे ऐसी नहीं है कि जो फॉल कर रही है, ये मैंने अपने मन से माना है, हाइपोथेटिकली माना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो एक परपेंडिकुलर लाइन अपने मन से खींची मैंने डैश डैश पे, ऐसे डैश डैश करके खींची है ना हाइपोथेटिकल लाइन अपने मन से, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल रे। क्या नाम देते हैं, नॉर्मल रे, क्लियर है। सो जनरली दिखाने के लिए हम इसको आई से दिखा देंगे, इसको आर से दिखा देंगे, और इसको एन से दिखा देंगे। सो दिस इज योर नॉर्मल रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर हुआ क्या। इतना हम लोग को रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। एंड जो ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या नाम देते हैं इसे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल है इसको नाम देते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग उसे हम एंगल आई से दिखा दिया और इसे एंगल आर से दिखा दिया। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसी बीच का एंगल होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। ये ऑलरेडी आप लोग 9th-10th में इतना तो बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई नो इट वेरी वेल, बट मैं फिर भी इतना बेस से उठा रहा हूँ रिफ्लेक्शन को। मैं ये मान रहा हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी आइडिया नहीं है तब भी वो यहाँ से सीख सके, यदि आपको कुछ भी आइडिया ना हो तब भी आप आसानी से सीख सकते हैं यहाँ से, यदि आप एक छोटी से छोटी चीज़ों को बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं, गेट माय पॉइंट ऑर नॉट। तो ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज जो हमको पता होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब जो अगली बात हम लोग करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लॉ बात करते हैं, फर्स्ट लॉ, ये क्या कहता है बेटा कि मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मान लीजिए कोई ऐसे एक इंसिडेंट रे फॉल करती है और एक इधर की ओर रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, क्लियर है।
मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है, क्लियर है क्या? ना थोड़ा ध्यान से, ना थोड़ा ध्यान से, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि कोई भी आप सरफेस लो, कैसी भी सरफेस हो, ऊबड़ खाबड़ प्लेन स्मूथ कुछ भी ले लो, आई डोंट केयर, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है हमारा फर्स्ट लॉ, क्लियर है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ऑलवेज इक्वल रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यदि ये 40 है तो ये 40, यदि ये 10 हो जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, यदि ये 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? सो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ। नो डाउट हम इसका अभी वेक्टोरियल ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं भी, लेकिन जनरली इतना ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन मेरा विश्वास मानिए एग्जाम हॉल में इतने से काम नहीं बनेगा, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ऑलरेडी एम्स में एक साल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एम्स में आया था। तो एम्स का क्वेश्चन जो होता है वो जेई मेन से ऊपर रहता है और जेई एडवांस से नीचे रहता है, लेकिन एम्स का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि नीट और जेई में रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, इसीलिए हम वो एम्स का वो वाला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अभी चलिए वापस लौटते हैं हम लोग। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ, और यहाँ पे सेकंड लॉ क्या क्या होता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आई है इंसिडेंट रे, जो आपका नॉर्मल रे और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे, सब सेम प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है, सेम प्लेन का मतलब क्या है, समझाने की मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, लाइक दिस, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, बहुत अच्छे ध्यान से। तो नॉर्मल ऑलवेज ऐसी होगी, मतलब ये ध्यान से देखो तो तीनों एक प्लेन में है, देखो ना ध्यान से देखो तुमको एक प्लेन में दिखाई दे रहे होंगे तीनों। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम्हारी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इधर है, मतलब ये अलग अलग प्लेन पे हो जाए, ऐसा नहीं है। तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑल विल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल विल लाई ऑन सेम प्लेन, मतलब तीसरी रे भी ऐसी नहीं हो सकती, ये ऐसे नहीं हो सकती, समझ में आया कि नहीं आया, वो ऐसी ही होगी। गेट माय पॉइंट ऑर नॉट? तीनों सेम प्लेन में होंगी, ध्यान से देखो, ऑल आर इन सेम प्लेन, देखो एक प्लेन बन रहा कि नहीं बन रहा, ऑल आर इन सेम प्लेन। सो दिस इज अवर रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ, क्लियर है कि भाई तीनों रेज आई एन और आर तीनों किस में है, सेम प्लेन में है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो इधर रहें और एक इधर हो जाए, नो नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। तो बेस्ड ऑन दैट हमें एक लॉजिक पता चल गया, दो लॉज हमने सीख लिए, वहाँ पे थर्ड क्यों लिखा है बे, अलग ही लेवल का गांजा चल रहा है इस समय मेरी जिंदगी में। चलो सेकंड लॉ, ठीक है, तो पहला लॉ एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, दूसरा लॉ आई एन आर लाई ऑन सेम प्लेन, क्लियर है, तीनों रेस सेम प्लेन पे लाई करती हैं। तो अब मुद्दा ये आता है कि सर ये तो हम पहले से ही पढ़ते आए थे, फिर आपसे पढ़ने का क्या स्पेशल फायदा? मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देखो तो हम इनको और भी बहुत कुछ लिख सकते थे, कैसे, थोड़ा ध्यान समझते हैं, ठीक है, प्लीज पूरा फोकस कर दे अच्छे से। सेकंड लॉ को मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ, सेकंड लॉ को मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना तुम्हें अच्छे से आइडिया लगेगा। सेकंड लॉ को हम लोग लिख सकते थे वेक्टोरियल ट्रीटमेंट, क्या लिख रहा हूँ मैं, वेक्टोरियल ट्रीटमेंट, मतलब वेक्टर के फॉर्म में कैसे ट्रीट करते हैं। मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके ऊपर एक रे ऐसे आके फॉल करती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, आई आर एंड लेट अस सपोज दिस इज योर एन। मान लो मैं इनको वेक्टर फॉर्म में दिखा दूँ, किसके फॉर्म में दिखा दूँ, वेक्टर फॉर्म में, मैंने ये नहीं कहा कि रे वेक्टर है, मैंने लाइट रे को एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला, मैंने बस ये बोला है कि लेट अस सपोज लाइट रे इज कमिंग अलोंग आई कैप, उसका जो डायरेक्शन है वो आई कैप के अलोंग है, और जो नॉर्मल रे है उसका एन कैप के अलोंग है, और जो रिफ्लेक्टेड रे गई है वो आर कैप के अलोंग है, मतलब ये इनके यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन शो करना। तो मैंने बस ऐसा बोल दिया कि जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, वो आई कैप के अलोंग आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आर कैप के अलोंग जा रही है, और जो नॉर्मल है वो एन कैप के अलोंग है, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। तो क्या यदि ये तीनों सेम प्लेन में है, यदि आई कैप कॉमा एन कैप आर कैप तीनों सेम प्लेन में है, तो याद करो वेक्टर चैप्टर, उसमें हमने एक रूल पढ़ा होगा, कोप्लेनरिटी ऑफ द वेक्टर्स। तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी जो इनका बॉक्स प्रोडक्ट आएगा या फिर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगा, बॉक्स प्रोडक्ट आई कैप
एन कैप और आर कैप का वो लॉजिकली जीरो आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, यही तो लॉजिक होता है। ये कैसे निकाला हमने, आई कैप क्रॉस एन कैप डॉट आर कैप, क्लियर है क्या, यही तो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट होता है, दो का क्रॉस जो उनका रिजल्ट है वो तीसरे के साथ डॉट, इट विल कम आउट टू बी जीरो। तो ये एक रूल आप याद रख सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। ये कभी आपको एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि एक वेक्टर आई दे दिया, एक वेक्टर आर दे दिया और एक वेक्टर एन दे दिया, और बस इतना पूछ ले कि क्या ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे हो सकते हैं। तो देखो यार, यदि उन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम एक बार कह सकते हैं कि वो तीनों हाँ आई और एन और आर हो सकते हैं, लेकिन यदि तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट ही जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि तीनों सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए यदि तीनों वेक्टर सेम प्लेन में होते। तो यदि बॉक्स प्रोडक्ट ही जीरो नहीं है तो चाहे दुनिया कहीं की कहीं चली जाए, मैं इतना तो कंफर्म हूं कि ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बिकॉज ऑल आर नॉट इन सेम प्लेन, नॉट ऑन सेम प्लेन, दैट्स व्हाई। तो ये आप इसको इस लॉजिक को याद रख सकते हैं, ये वेक्टर चैप्टर का लॉजिक है, ठीक है ना, कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर विल कम आउट टू बी जीरो इफ ऑल आर लाइंग ऑन सेम प्लेन, दैट इज द रूल ऑफ कोप्लेनरिटी। ये कैसे आया, चलो मैं समझा भी दे रहा हूं एक सेकंड में। आई क्रॉस एन, अभी सोचो मान लो ये तीनों सेम प्लेन में है, तो इतना तो मैं कंफर्म हूं कि तीनों सेम प्लेन में, मतलब तीनों सेम इस बोर्ड में रहेंगे, बहुत अच्छे। आई क्रॉस एन लेता हूं, सबसे पहले क्या निकालता हूं मैं, आई क्रॉस एन, तो आई और एन का जब क्रॉस लूंगा तो वो कहीं ना कहीं दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, एन कैप उनका जो भी, मतलब जो भी उनका परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा कुछ ऐसा आएगा। अब इस वेक्टर और आर कैप के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री ना, क्योंकि बेटा जो वेक्टर रिजल्टेंट जो भी आ रहा आई क्रॉस एन, यदि वो एन और आई के परपेंडिकुलर तो वो आर के भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि तीनों सेम प्लेन में है। तो जब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेने जाऊंगा तो कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में। तो देखो यार, यदि किसी को ये बात का आइडिया नहीं है तो मेरा ये मानना कि आपको वेक्टर चैप्टर का दोबारा रिवीजन करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, ऑलरेडी चैप्टर कवर कर रखा है, आप वहां पे जाके देख लीजिए, यू विल गेट टू नो कि भैया बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। बाय द वे, लीव इट हियर, मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई हम सेकंड लॉ को आज के बाद से हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। हम मात्र सेकंड लॉ को ये नहीं बोलेंगे कि ऑल थ्री रे लाई ऑन सेम प्लेन, आज से हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि उन रेज को किसी यूनिट वेक्टर के अलोंग दिखाया जाए या किसी वेक्टर के अलोंग दिखाया जाए तो उन वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चे, जीरो आएगा। यदि जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब वो वेक्टर्स कभी भी आई एन और आर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम चीज़ों का आइडिया लगाते हैं। इज इट क्लियर नॉट, बहुत अच्छे। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ पे फिर से लौटते हैं। लेट्स रिटर्न टू द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ फिर से लौटते हैं। क्लियर है, लेट अस सपोज इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द सर्फेस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। उसने बता रखा है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं बहुत बार कराता हूँ, मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये क्वेश्चन। क्या बोला उसने, आई कैप, अच्छा एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी स्पीड फास्ट रहती है बोलने की, मात्र कारण ये है कि मैं जब ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ तो मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाता हूँ। तो शुरुआत के एक दो दिन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ऑलवेज प्रॉब्लम होगी ऐसा जरूरी नहीं होता। एक बार आपका और मेरा वाइब मैच कर गया तो उस कंडीशन में फिर आपको मेरी लैंग्वेज या फिर जो भी मेरा टोन है या फिर जो भी मेरा प्रोनंसिएशन जो भी है आपको सब समझ में आना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक दो लेक्चर्स देखिए और फिर आगे बढ़िए, ऐसा वाला लॉजिक रखा करिए। समझ में आया कि नहीं है, चलिए देखते। मान लो बता रखा है कि दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज कमिंग अलोंग द वेक्टर आई कैप बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप, ठीक है, एंड आपका रे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो जा रहा किसके अलोंग, आई कैप बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे कैप, ठीक है, इसके अलोंग रे आई है और इसके अलोंग चली गई है, ये वेक्टर दे रखा है आपको, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे का वेक्टर है और ये रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर है। अब आपसे वो पूछेगा कि बताना है आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत चिंटू सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन नो डाउट फिर भी लोगों से बनता नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन होंगे, पहला 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, चौथा सॉरी तीसरा 45 डिग्री
और फोर्थ है कितना दे दिया मान लो 90 डिग्री, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, चार ऑप्शन है। मैं चाहूँगा कि आप, यदि आपको लगता है तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और एक बार सॉल्व कर लीजिए अच्छे से पहले, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए। बाय द वे चलिए समझते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का, मान लो दो वेक्टर्स हैं, कोई एक वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन द वेक्टर का मतलब क्या होता है, टेल्स के बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, टेल्स के बीच का एंगल। तो यदि हमें थीटा निकालना है तो थीटा निकालने का तरीका होता है, थीटा इक्वल टू हम लोग लेते हैं कॉस इनवर्स, डॉट प्रोडक्ट का तरीका याद आया क्या, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, क्लियर हुआ क्या, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये होता है बेसिक सा तरीका थीटा फाइंड करने का, जो हम लोग ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे। अरे यार ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी को इधर भेज दिया तो ए डॉट बी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, कॉस को इधर भेज दिया तो कॉस इनवर्स हो गया, उधर मात्र थीटा बचा गया, डेमो पॉइंट नॉट, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यदि मैं ये कर लूँ तो मुझे इन दोनों रेज के बीच का एंगल पता चल जाएगा, और दोनों रेज के बीच का यदि एंगल पता चला तो उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए भाई लोग पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और देखते हैं क्या आता है, लेट्स फाइंड आउट दैट डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने गए, आई कैप और आर कैप, मतलब इंसिडेंट रे वेक्टर का और रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। यदि दो वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है वी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई होता है, ए बाई बी बाई मल्टीप्लाई होता है और ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई होता है, मतलब आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाला के साथ। ये होता है डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है 1/2। चलिए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। एक्चुअली बीच में थोड़ा लाइट डिप की और इन्वर्टर चालू नहीं था तो ये बंद हो गया था, तो इसलिए दोबारा लिखना पड़ा। सो जैसे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा और इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए ए डॉट बी जैसे लिए हमने कितना दिखाई देगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1/2 × 1/2 ना प्लस, इसका कोएफिशिएंट कितना, माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2 × √3/2, ठीक है। जब हम लोगों ने इनको सॉल्व किया, व्हेन वी विल सॉल्व दिस, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 1/2 दैट इज 1/4 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, √3 √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और 2 × 4 हो जाएगा, तो 3/4, ठीक है, 1/4 − 3/4 दैट इज, ध्यान से देखो तो −2/4, मतलब बोले तो −1/2, ठीक है, हमारा ए डॉट बी आ गया। अब हम ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। चलो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, वी ऑल हैव स्टडीड कि यदि कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का होल अंडर रूट, समझ में आया कि नहीं है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर के 1/2 मतलब 1/4 बन जाएगा, और ये √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 बन जाएगा, होल अंडर रूट लेंगे तो ये 1/4 + 3/4 दैट इज 1 आ गया, और इस तरह इसका भी 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस साइन से कोई मैटर नहीं करता, स्क्वायर करेंगे तो उड़ जाएगा, तो इसका भी 1 आ जाएगा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 है। तो चलो थीटा की वैल्यू लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अभी बताया था ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, −1/2 अपॉन ए बी, तो 1 × 1। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो कॉस इनवर्स −1/2 कितना होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 120 डिग्री। तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों रेज के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सुनना, यहीं पे गलती हो जाती है। लोग चार ऑप्शन में से जल्दीबाजी में उस 120 को आधा बांट के 60 लिख देंगे। लोग क्या सोचेंगे कि भैया ये जो थीटा आया है वो ये वाला थीटा है, वो ये थीटा है 120। तो उनकी नजरों में क्या होता है, आधा आधा कितना हो गया, 60 और 60, और वो जल्दीबाजी में वो ऑप्शन 60 मार्क भी कर देंगे। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कॉन्सेप्ट बनने के बावजूद भी, बट यही तो सबसे बड़ी गलती है, ये गलत है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। क्यों ये गलत है, गलत क्यों है उसको समझते हैं अपन लोग, एक सेकंड में ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा गलत क्यों है। क्योंकि ध्यान सुनो,
ध्यान सुनना, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब लेने जाते हो ना, तो यदि एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो ये उनके बीच का एंगल नहीं होता है, उनके बीच का एंगल ये होगा एक्चुअली, दिस इज द एंगल विद इन द वेक्टर्स। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के टेल के बीच का एंगल। तो जो आपने ये सॉल्व करके 120 डिग्री निकाला है ना, वो एक्चुअली ये वाला एंगल नहीं है बेटा, वो ये वाला एंगल है 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटी सी गलती होती है जो सब लोग करते हैं और इसी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका आंसर नहीं आता। सो दैट एंगल इज 120 डिग्री। तो यदि ये एंगल 120 डिग्री है बेटा, तो ये रिमेनिंग कितना बचा? 60। और ये जो रिमेनिंग 60 बचा, इसमें दो लोग हैं, कौन कौन है? आई भी है और आर भी है, और दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री। और हम सब अभी पढ़े हैं फर्स्ट लॉ में कि आई इज इक्वल टू आर था, तो हमें समझ में आ गया कि यदि आई इज इक्वल टू आर है, मतलब ये भी है, आई और आर दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? 2i इज इक्वल टू आई प्लस आर, दैट इज आई प्लस आई, दैट इज 2i इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। सॉल्व होकर के यहाँ से हमारा आई का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअल में वहाँ पे 60 भी ऑप्शन में दिया हुआ था। क्यों दिया था जानबूझ के 60 उन्होंने ऑप्शन में? क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा जल्दीबाजी में एक काम करे कि वो 60 आंसर मार्क कर दे, क्योंकि लोग यही सोचते हैं ना बेटा, वो सॉल्व किए उनका थीटा 120 आया, वो पट्टे से सोचते थे कि दोनों रेस के बीच का एंगल 120 है, आधा आधा बांट के 60-60 आंसर कर देंगे। अरे नहीं भाई, वो एंगल नहीं है 120, वो ये वाला एंगल है, एंगल बिटवीन द टेल्स। समझ में आया कि नहीं है? सो इफ दिस इज 120, then this remaining is 60 and 60 का आधा, that is angle of incidence, so 30 degree is the answer। अब सुनो, ये question ही मैंने जानबूझ के क्यों कराया, क्योंकि ये question पूछा गया था JEE Advance 2013 में। ठीक है, अब मजेदार बात सुनो, JEE Advance के जो question होते हैं, अब वो no doubt Advance में repeat होने के chance उनके negligible होते हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु, नीट और जेई मेन जैसे एग्जाम्स के लिए तो वो एक समझ सकते हो आप लोग कि एकदम ऐसा समझ लो कि पकवान की तरह हो गया, जो थाली में परोसा हुआ है। नीट और जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ऑलरेडी एक बार जेई एडवांस में आ चुके हैं। इसीलिए आइदर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो जेई एडवांस के नीचे है, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो ऑलरेडी एक बार जेई एडवांस में आ चुके हैं। बाय द वे, हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो यहाँ पे किसका यूज हुआ, यहाँ पे यूज है दो चीजों का, पहला तो एक डॉट प्रोडक्ट का आइडिया, दूसरा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का आइडिया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आइडिया। तो ये ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन 3 से 4 टॉपिक को मिला करके बन रहा है। अब किसी बच्चे से यदि ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन नहीं बनता तो वो सोचेगा उसका ऑप्टिक्स कमजोर है। एक्चुअली उसका ऑप्टिक्स कमजोर नहीं है बच्चे, उसका कमजोर बेसिक्स है, वेक्टर, दैट्स व्हाई उससे ये टॉपिक नहीं बन रहा होगा। इसीलिए जब कभी भी ऐसा होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि फिजिक्स कोई टॉपिक वाइज जैसी चीज़ नहीं है। फिजिक्स कोई ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर या दो चैप्टर की तैयारी से हो जाता है, आपको कंप्लीट चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, तब जाकर के आपसे फिजिक्स बनता है। गेट माय पॉइंट नॉट? तो चलिए, कोई चिंता का विषय नहीं है, हमने बेसिक समझ लिया, हमने एक क्वेश्चन समझ लिया, हमने आज लाइट रे के बारे में समझा, हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में हमने बातें करी, उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देख लिया, हम लोगों ने वेक्टोरियल ट्रीटमेंट ऑफ सेकंड लॉ देखा, अब हम लोग वेक्टोरियल ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम का लेक्चर हो चुका है, तो इसीलिए हम अगले लेक्चर को जब देखेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि फर्स्ट लॉ को कैसे हम वेक्टर के फॉर्म में डील कर सकते हैं। वहां हम लोग सीखेंगे वो एम्स वाला क्वेश्चन जो आया हुआ था एम्स में, वो क्वेश्चन हम कराएंगे, देखेंगे कि हमसे वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आई होप फर्स्ट क्लास में आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप लास्ट ईयर जहां से भी पढ़े हों, आप रिपीट कर रहे हैं या फिर मान लो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनको तो आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कंटेंट कैसा होने वाला है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो पहले पढ़ा होगा, और जहाँ भी आपने ऑप्टिक्स पढ़ा रहा होगा वहाँ से आपको यहाँ पे चीज़ें कंपेयर करने में थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चालू हो गया होगा कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है ना, और याद रखिएगा हमारा प्लेन मिरर और हमारा रिफ्लेक्शन थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बेसिक्स बनता है तो फिर आगे की चीज़ें अपने आप बनती हैं, इसीलिए हम बेसिक्स में थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नोट जरूर बनाइए, और
जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है, नोट्स बनाने के बाद ना जब भी आपका लेक्चर हो जाता है तो आप मुझे अपडेट जरूर करिए कि भैया मैंने वो लेक्चर किया, मैंने ये नोट्स बनाए, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप रेगुलर रहते हैं ना तो आप कभी जब मेरे से कोई डाउट पूछेंगे ना तो मानो या ना मानो मेरी तरफ से रिप्लाई पट से आएगा कि यार मैं समझूंगा ना कि ये बच्चा रेगुलर है, ये बच्चा पढ़ने में रेगुलर रहा है तो इसको रिप्लाई देना बनता है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा है जो कभी मान लो कि इंटरेक्ट तक नहीं किया, कभी रिपोर्ट तक नहीं किया, फिर उस बच्चे को ऑब्वियसली कोई मैसेज आया भी तो उतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई तो कैसे आइडिया लग जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा जो रेगुलरली अपना रिपोर्ट कार्ड भेज रहा है, पूरा रिपोर्ट बता रहा है कि भैया मैंने ये लेक्चर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसे कर लिया, तो उस बच्चे के ऊपर ध्यान जाना मस्ट होता है, जरूर ज्यादा ध्यान। तो इसीलिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जरूर किया करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों को जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो आपके स्कूल्स के कॉलेज के ग्रुप हैं उनमें यार एक बार प्लीज ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक फॉरवर्ड करिए जिससे और भी बच्चे जुड़ पाएं। आप यार बींग स्टूडेंट मैं आपसे ही तो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जिससे कि मैं भी मेहनत करूं तो मेरा भी मनोबल बना रहे, तो प्लीज और लोगों को भी शेयर करिए। ओके, सो बच्चा पार्टी आज ये लेक्चर नंबर 1, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। सो थैंक्स, आई होप कुछ तो क्लियर हुआ होगा। ओके, और यदि जो कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।